नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मल्टी टैलेंटेड इंजीनियर पर। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम जो eSIM होती है वो eSIM कुछ फ़ोनों में होती है। जैसे ये मेरे पास 11 है और 10 है, और Apple के जितने फ़ोन है 10 से ऊपर उनमें सब में eSIM आती है। बट वो हमको एक्टिवेट करानी पड़ती है। वो कैसे एक्टिवेट करेंगे, कैसे चालू करेंगे, तो उसी के बारे में ये वीडियो फ्रेंड्स में जैसे आप मैं स्क्रीन पर साइड में देख रहे होंगे आपको। ये दोनों मेरा ये फ़ोन है, इसमें दो सिम लगी है, एक एयरटेल की और एक VI की। तो ये कैसे मैंने कराया और कैसे इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है, तो उसी के बारे में वीडियो है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपको eSIM इंडिया में दो या तीन कंपनी ही प्रोवाइड करती है। तीन कंपनी। सबसे पहले बताऊंगा VI के बारे में। VI जो हमको eSIM प्रोवाइड करती है, उसका रूल है कि आपको पहले उसके लिए पोस्टपेड सिम लेनी पड़ेगी, तो ही आपको उसके स्टोर में जाके फिर आपको eSIM मिलेगी। उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन होगा। उसके बाद बात करते हैं जियो की। तो जियो आपको जो eSIM प्रोवाइड कराता है वो उसके लिए फ्रेंड्स वो आपको अपने डॉक्यूमेंट लेके अपने स्टोर में बुलाता है। तो वहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं उसके देना पड़ेगा, फिर उसके बाद eSIM एक्टिवेट होगी। उसके बाद थर्ड हम बात करते हैं आज एयरटेल की, उसका हम करके भी दिखाएंगे और हमने कराया है। और एयरटेल का सबसे बड़ा फ़ायदा कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारा कुछ ऑनलाइन करना है। उसमें फ्रेंड्स मैं आपको कुछ बताऊँगा, कुछ स्टेप कि एयरटेल का अभी मेरे एक फ्रेंड करके दिखाऊँ। पहले मैंने अपने फ़ोन में कर रखा है, दूसरे के में हम करेंगे। तो उसमें फ्रेंड्स मैं बताऊँगा कि मेरे फ्रेंड के पास BSNL की सिम थी और उन्होंने सबसे पहले क्या करा कि एयरटेल हम घर बैठे कर सकते हैं, तो कहीं हम जाने की प्रॉब्लम थी, हम जा नहीं सकते, तो उन्होंने पहले क्या करा उस सिम को पोर्ट कराया एयरटेल में। तो एयरटेल में फिर सबसे पहले जो स्टेप है वो 3-4 स्टेप है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि सबसे पहले आपको जो आपका मोबाइल नंबर होता है उसको रजिस्टर कराना है आपकी जीमेल आईडी के साथ, जो आपकी जीमेल आईडी है। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैंने काफ़ी कुछ देखा, कुछ बताएंगे कि आप स्क्रीन पर साइड में देख सकते हैं कि एयरटेल ऐप होती है। एयरटेल ऐप में आज जाके जब आप अपना अकाउंट पे वेरीफाई करेंगे यहाँ पे, तो ये आपका अकाउंट यहाँ से अपडेट हो जाता है, ऐसा कुछ वीडियो में बताया गया था। बट मैंने काफ़ी ट्राई करने के बाद देखा कि कुछ नहीं है। फिर मैंने लास्ट में 1-to-1 कस्टमर केयर पर कॉल किया। तो कस्टमर केयर पर कॉल करने के बाद मैं उनसे कंफर्म भी किया कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन है भी क्या, मतलब अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराने का, सॉरी मोबाइल नंबर से जीमेल आईडी या कोई भी आपकी ईमेल आईडी अपडेट कराने का। तो उन्होंने मना कर दिया कि कोई ऑप्शन नहीं, आपको कॉल करनी पड़ेगी। तो उसको कॉल करने के बाद फ्रेंड्स आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले फ्रेंड्स आपको उसके बाद आप स्क्रीन में साइड में देख सकते हैं कि आपको eSIM स्पेस देने के बाद आपको अपनी मेल आईडी उस पर भेजनी है। उसके बाद अगर आप चेक भी कर सकते हैं कि आपकी रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो मैंने सबसे पहले जो एक करा था उसके बाद ये रजिस्टर्ड नहीं थी, तो उसके बाद मैंने फ्रेंड्स दोबारा ये रजिस्ट्रेशन किया। तो उसके बाद फ्रेंड्स ये मैंने मैसेज भेजने में जो अपना मैसेज भेजने के बाद ये डिलीट कर दिया था मैंने। यहाँ पे eSIM हम जब मैसेज करेंगे तो वहाँ पे ये आपको मैसेज आएगा, उसके साथ साथ आपको कंफर्म करना है और वहाँ से फिर ऐसा आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ये क्या है कि इसमें आपको टाइम लगता है, जब आप वहाँ पर देंगे तो लगभग 2 से 4 दिन लगाते हैं, पर 6 दिन मैक्सिमम बोलते हैं, बट दो दिन में लगभग वो आपका रजिस्टर्ड हो जाता है। उसके बाद आपको कन्फर्मेशन करने के लिए दोबारा ही वो मैसेज भेजना पड़ेगा। तो जब तक आपको अगर ऐसा मैसेज आएगा जो सबसे ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब आपका रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। अगर आप जैसे ही आपका ये वाला आना शुरू कर देगा, डियर कस्टमर वी हैव eSIM रिक्वेस्ट तो ओनली कन्फर्म, तो उसके बाद आपको 1 साथ भेजना है। जब आपको उसको 1 भेजेंगे, 1 कन्फर्म होगा, तो उसके कुछ देर बाद आपको यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा कि थैंक यू कंफर्म करके। उसके कुछ देर बाद आपको एक कॉल आएगी, वो दोबारा कंफर्म करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स कॉल आने के बाद आपको एक यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा कि आपको QR सेंड कर दिया गया है। इसका QR भेजने का टाइम होता है लगभग आपका, मैं कह सकता हूँ 1-2 घंटे मैक्सिमम। आपको आधा घंटा या 20 मिनट या 15 मिनट में आपके पास मेल भी आ जाएगी और फ़ोन भी आ जाएगा। फ़ोन आने के बाद वहाँ पे आप प्रेस 1 करके कंफर्म करेंगे, तो उसमें कंफर्म करेंगे। तो आप वहाँ पे कंफर्म करने के बाद आपको दोबारा यहाँ पे आना पड़ेगा अपनी स्क्रीन पर, और स्क्रीन पे जाने के बाद आप देखेंगे कि आपको एक QR कोड आपके मेल पे आ चुका है। तो मैं फ्रेंड्स आपको एक बार अपनी मेल भी दिखा देता हूँ, और यहाँ पे जो मैसेज आ रखा है वो मैसेज भी आपको दिख जाएगा। अब मैसेज में एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इसमें आपको कह रखा है कि आपको 24 आवर्स के लिए आपका जो मैसेजिंग है वो बंद हो जाएगी। तो उस चीज़ के लिए अगर आप ये मैसेज तब भी आता है, कुछ फ्रॉड से बचने के लिए ये सब करा जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको अब अपनी मेल आई डी में दिखाता हूँ कि मेरे पास एक QR कोड आया हुआ था। ये Gmail ID पर मैं अपना QR कोड से सर्च मार लेता हूँ। ये फ्रेंड ई सिम वेरीफिकेशन। तो फ्रेंड स्क्रीन पे देख सकते हैं ये मेरा क्यूआर कोड यहाँ पे है, ऐसी आपको मेल मिलेगी। और उसके बाद आपको फ्रेंड्स क्या करना है कि इसको अपनी सेटिंग में जाना है और स्कैन करना है, और मैं आगे की वीडियो करके दिखाता हूँ आपको। और उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स कि आपको ई सिम आप उसमें लगा के रखेंगे, उसके बाद नेटवर्क चले जाएंगे, दूसरी वाली सिम लगा देंगे, एक्टिवेट साथ साथ नहीं होगी। उसके बाद आपको 1 से 2 घंटे में वो एक्टिवेट हो जाएगी, उसके बाद आप सिम निकाल सकते हो, आपकी सिम चालू रहेगी। आपको निकालना तभी नहीं है, 1-2 घंटे बाद आपको निकालनी है सिम, जब आप उसको लगा देंगे स्कैन करके। तो आगे का प्रोसीजर हम देख लेते हैं, हम कैसे उसको उसमें इंसर्ट करेंगे और वहाँ से कहाँ से हमको स्कैन करना है। तो फ्रेंड्स हमारे पास अभी दोनों फ़ोन है, इसमें हमें ई सिम डालनी है, मतलब ई सिम एक्टिवेट करनी है। और ये फ्रेंड्स इसमें जो क्यू आर कोड आया है वो है। तो फ्रेंड्स अब हम इसकी सेटिंग में जाएंगे, इसमें आईफोन की में। तो फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये 10 है एप्पल का। तो इसमें हम सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद हमको जाना है फ्रेंड्स डाटा में, मोबाइल डाटा में। मोबाइल डाटा में जाने के बाद फ्रेंड्स हम जाएंगे इसमें ऐड प्लान में, ऐड प्लान में हम क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ये चेकिंग कर रहा है, और उसके बाद हम यहाँ से स्कैन कोड आएगा तो हम इसमें स्कैन कर लेंगे। और फ्रेंड्स थोड़ा सा स्कैन करते ही ये अब थोड़ा यहाँ पे टाइम ले रहा है, ये ऊपर आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। ये हो गया फ्रेंड्स ऐड, एयरटेल इज़ रेडी टू एडिट टू योर आईफोन। और आप नीचे देखेंगे ऐड प्लान यहाँ पे आ जाएगा, तो हम ऐड प्लान पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स इसको आपको प्राइमरी रखना है, सेकेंडरी रखना है, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम फ्रेंड्स इसको सेकेंडरी रख लेते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स ये सेकेंडरी रखने के बाद आप यहाँ पे लेवल भी टाइप कर सकते हैं, कुछ क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। तो इसमें मैं एयरटेल लिख देता हूँ, जो हमें थोड़ा पता रहे ये। उसके बाद फ्रेंड्स कस्टम लेवल की बात कर रहे हैं, ऊपर से हम डन कर देंगे यहाँ से। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे एयरटेल का हो गया, और यहाँ से हम कंटिन्यू कर देंगे। ये कंटिन्यू दिखा रहा है फ्रेंड्स, हम यहाँ पर अब ये सेलेक्ट कर लेंगे हमें कौन सा नाम देना है, मैं नीचे वाला दे रहा हूँ। तो हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। तो उसके बाद दोबारा कंटिन्यू कर देंगे फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स पूछ रहा है कि आपको फेस टाइम जो करना है वो किससे करना है, तो मैं इसी से कर रहा हूँ फ्रेंड्स, एयरटेल से। उसके बाद दिखा रहा है मोबाइल डाटा किससे स्विच करना है, तो मैंने भी इसको भी यही कर दिया। और यहाँ पे ऊपर जो दिखा रहा है मोबाइल डाटा, ये दोनों इससे कर दें, क्योंकि मैं अभी आने वाले टाइम में भी इससे यूज़ करूँगा। तो फ्रेंड्स ये हो चुका है। और फ्रेंड्स आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर ये 2 सिम दिखा रहा है अभी फ्रेंड्स, ये नो सर्विस आ रही है। तो फ्रेंड्स जैसे ही बाद में हम इसको अभी सिम निकालेंगे तो फ्रेंड्स हमारी ये काम नहीं करेगी। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, आपके 1-2 घंटे बाद आप ये सिम निकाल सकते हैं। और आपका जो ये है, मैं आपको ये फ्रेंड्स जो दिखा रहा है ये 2 सिम का, ये फ्रेंड्स ऐसे है कि हम इसको फिर बाद में सिम निकाल देते हैं। मैं आपको एक बार निकाल के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं ऊपर अभी दोनों है, मैं निकालता हूँ, मेरे हिसाब से भी नहीं होगा। ये निकलने के बाद फ्रेंड्स आप देखोगे वहाँ पे नो सिम हो गया है, इसका मतलब ये एक्टिवेट नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स अभी हम इसको लगे रहने देना है, हम 1-2 घंटे बाद या मैक्सिमम 1-2 घंटे ही लगेंगे। तो उसके बाद ये आपकी निकालोगे तो आपका एयरटेल के नेटवर्क आते रहेंगे और इसका कोई काम नहीं। उसके बाद हम यहाँ पर दूसरी सिम डाल देंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बाद में दिखाऊँगा जब आप ये हो जाएगी। तो उसमें फ्रेंड्स बीच में टाइम रहेगा 1-2 घंटे का, और मैं आपको मेंशन कर दूँगा कितना टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स अब हमको लगभग 2-3 घंटे हो गए हैं ज़्यादा, ये हम 2-3 घंटे के बाद हमने चेक करा है। तो फ्रेंड्स ये अब हमने पहले चेक कर लिया था, तो देखा तो इसमें नेटवर्क आ गया। तो मैं एक बार आपको दोबारा निकाल के दिखा देता हूँ। ये फ्रेंड्स आप देखेंगे तो इसमें ऊपर एयरटेल आ रहा है, और मैंने यहाँ से सिम भी निकाल दी। ये फ्रेंड्स अब इसके अंदर कोई सिम नहीं है, और फ्रेंड्स इसमें नेटवर्क आप आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी जो ई सिम है, इलेक्ट्रॉनिक सिम जिसको बोलते हैं, वो चालू हो गई है। तो फ्रेंड्स मैं अब इसमें अपनी दूसरी जियो की जो सिम है उसको मैं लगा दूंगा, और अब उसके भी फ्रेंड्स इसमें नेटवर्क आ जाएंगे। ये फ्रेंड्स मैंने लगा दिया, और आप ऊपर देख सकते हैं ये ओके, ये फ्रेंड्स आप ऊपर देख सकते हैं जियो के भी नेटवर्क आ गए। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का वीडियो कि हम ई सिम कैसे लगाते हैं, कैसे काम करती है, इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स इसके कुछ स्टेप थे। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें। और इसी रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।